अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 18 में आ जाते हैं, तो आप लोग भी आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 18 में। ये भी एग्जाम में आने का चांस है, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिए, प्लस में इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। एबीसी लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एग्जामिन विच इज कंसिडर टू बी ऑप्टिमम एज ऑन 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है, क्या चीज़ दे रखा है, कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें 14% डिबेंचर है, 11% प्रेफरेंस शेयर है, उसके बाद इक्विटी शेयर है जो कि 10,000 का, जो है 1,60,000। इस तरह से टोटल कैपिटल कितना आ गया, तो यहाँ टोटल कैपिटल आ गया 2 लाख का। यहाँ तो आप लोगों को समझ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, द कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹23.60। द कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस रखा हुआ है 23.60। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ अर्निंग पर शेयर, 50% ऑफ ईयर 2017 अर्निंग पर शेयर। तो जो 2017 का अर्निंग पर शेयर रखा हुआ है, उसका 50% यहाँ पे डिविडेंड होना चाहिए, होगा नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, नेक्स्ट ईयर 2017 में अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा हुआ है, तो 2.36। अगर इसका 50% करें तो 2.36 और 50% कितना हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू 2.36 का कितना हो जाएगा 50%, जो हम लोग का कितना आएगा 1.18। तो इस तरह से डिविडेंड हम लोग को पता चल गया 1.18, उसके बाद मार्केट प्राइस भी हम लोग को पता चल गया कितना हो गया, तो 23.60। उसके बाद द फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ अर्निंग पर शेयर फॉर प्रेसिडिंग 10 ईयर विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, नेक्स्ट 10 ईयर का, 2008 से लेकर के 2017 तक, 2008 से लेकर 17 तक, ये हम लोग को अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ है। इस अर्निंग पर शेयर से हम लोग को क्या निकालना होगा, तो ग्रोथ निकालना होगा। ग्रोथ कैसे निकालेंगे, तो चल हम लोग देखेंगे जब सम्स बनाएंगे तो उस टाइम में ग्रोथ कैसे निकालते हैं। ओके, अब आगे देखिए, द कंपनी इशू न्यू डिबेंचर कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 96। तो इस तरह से हम लोग को करेंट मार्केट प्राइस दे रखा हुआ है, प्लस में डिबेंचर का जो कैरिंग कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्लस में उसका नेट प्रोसीड जो भी आ गया, मार्केट प्राइस को भी हम लोग कंसिडर करेंगे नेट प्रोसीड, वो भी हम लोग को सब उसमें दे रखा हुआ है। जब आगे बढ़ते तो क्या दे रखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹9.20 विद एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹1.1 पर शेयर। तो देखिए, 1.1 पर शेयर क्या आ गया, एनुअल डिविडेंड आ गया, किसका, प्रेफरेंस शेयर का, और जिसका मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, तो 9.20। और आगे इट ऑल्सो, उसके बाद वेयर ऑल्सो इशू, उसके बाद कंपनी इन द 50% टैक्स ब्रैकेट, तो हम लोग को कंपनी का टैक्स ब्रैकेट दे रखा है 50%। जब आगे सबसे बढ़ते तो क्या बोला, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स, तो हम लोग को निकालना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट कितना होगा वो हम लोग को निकालना है, सबसे पहला काम हो गया। उसके बाद सेकेंड में क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर, तो कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर का जो भी होने वाला। फिर उसके बाद न्यू इक्विटी शेयर, एज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर फ्रॉम रिटेन अर्निंग, तो यहाँ पे एज्यूम किया गया कि रिटेन अर्निंग से न्यू इक्विटी शेयर आने वाला है, तो इस टाइम में फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा सबसे। तो देखिए, सबसे हम लोग को सबसे पहले डेब्ट का इन्फॉर्मेशन दे रखा था, उसके बाद इक्विटी शेयर का इन्फॉर्मेशन दे रखा था, प्रेफरेंस शेयर का इन्फॉर्मेशन दे रखा था, उससे हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, तो कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इशू। था अगर न्यू शेयर अगर कुछ भी इशू नहीं किया जाता, तो उस टाइम में मार्केट अगर शेयर इशू नहीं किया जाता, तो उस टाइम में क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, वो हम लोग को निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता था, तो एक तरह से जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता था, वही क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग बोले। अब इस केस में हम लोग देखो, एक डिफरेंस क्यों आता था, जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग एज्यूम करता है, कोई कंपनी एज्यूम करता है कि कितना इशू करने वाला है फ्यूचर में, बट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो नॉर्मली होता था, उसमें हम लोग का जितना प्रेजेंट में होता था उसका हम लोग निकाल देते हैं, बस डिफरेंस जो होता है बस उसी बात का होता है। ये हो गया आप लोगों का। अब ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर में क्या निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड, एज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2017। तो यहाँ पे रिटर्न अर्निंग कितना आ गया, 50% आ गया, 50%। वैसे भी जितना डिविडेंड बांट रहा था, 50% डिविडेंड बांट रहा था, तो 50% क्या होगा, रिटर्न अर्निंग होगा। फिर नेक्स्ट में डीन पॉइंट में क्या बोला, तो कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट इन सी। तो यहाँ पे जब देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट इन सी, तो अगर सी से अगर एक्सीड करता है अमाउंट, तो उस टाइम में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वो निकालना है, एज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर इशूड एट ₹20 पर शेयर। तो हम लोग को न्यू इक्विटी शेयर कितना में इशू होगा,
तो 20 पर शेयर में इशू कर, उस टाइम हम लोग को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब न्यू न्यू जो इशू होने वाला है उस पर कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, जो नॉर्मली हम लोग निकाल देते हैं उसी तरह से। तो ये क्या आता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखिए सम्स ये हम लोग के पास रहा, सबसे पहले सम्स में क्या दे रखा था एक बार समराइज करता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा था, उसके बाद हम लोग को अर्निंग पर शेयर दे रखा था, जो अर्निंग पर शेयर दे रखा था 2008 से लेकर के 2017 तक। उसके बाद इक्विटी शेयर के बारे में रिस्पेक्ट में था इन्फॉर्मेशन, एंड डिविडेंड के रिलेटेड डिविडेंड इक्विटी शेयर के रिलेटेड था, उसके बाद डिवेंचर के रिलेटेड था, एंड प्रिफरेंस शेयर के रिलेटेड हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रखा था, जिससे ये जो हम लोग का दे रखा था नीचे वो कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए पॉइंट बी सी एंड डी चार हम लोग को आंसर निकालना है। चलिए कॉपी में आ जाए निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। तो चलिए कॉपी में आ जाइए। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेट हम लोग को निकालना है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, अब डेट से रिलेटेड हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले वो देखते हैं, एंड उसके बाद हम लोग निकालें। तो देखिए आ जाए बुक में, आ जाए ये रहा बुक में डेब्ट से रिलेटेड। सबसे पहले रेट कितना दे रखा है, 16% दे रखा है रेट हम लोग का डेब्ट में इंटरेस्ट का, प्लस में उसका मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 96, एंड प्लस टैक्स ब्रैकेट कितना दे रखा था, टैक्स ब्रैकेट कहीं तो दे रखा हुआ था, हाँ ये रहा 50% टैक्स रिलेटेड। तो हम लोग को यहाँ पे डिवेंचर के रिस्पेक्ट में तीन इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, तो इस तीनों इन्फॉर्मेशन से हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता था, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट फिर 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाई नेट प्रोसिट। इस केस में इंटरेस्ट रेट कितना देखा 16, तो फेस वैल्यू तो 100 होता है, 100 का 10% कितना आ गया, तो 16%, तो 16 आ गया। नेट प्रोसिट सम्स में कितना देखा हुआ है, ये दे रखा हुआ हमको 96, फिर 1 माइनस टैक्स करेंगे तो 1 माइनस 0.5। इस तरह से निकाले कितना आ जाता है आप लोगों का कॉस्ट ऑफ डेट कितना आता निकालिए, तो 16 का हाफ हो गया 8 डिवाइड बाई 96, तो ये आ गया 8.33%। तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम, सिंपल सा था, जो एक इरिडीमेबल डिबेंचर का होता था वही था हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं हम लोग को दे रखा है नेक्स्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर। तो न्यू प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट क्या आने वाला है ये हम लोग अभी निकालने वाले हैं। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये आ गया हम लोग का सेकेंड पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना दे रखा है 9.20, एंड उसका डिविडेंड दे रखा, और बाकी कुछ भी तो हम लोग को नहीं पता है। तो यहाँ पर डिविडेंड डिवाइड बाय प्राइस करके हम लोग क्या निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो के पी इज इक्वल टू डिविडेंड बाय प्राइस, डिविडेंड 1.1 है एंड प्राइस कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है 9.20, 1.1, तो ये आ गया हम लोग का कितना आ गया राउंडिंग ऑफ करने के बाद 12%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आ गया हम लोग का। अब थर्ड पॉइंट हम लोग को क्या निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो चलिए निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो सबसे पहले डिविडेंड के लिए, डिविडेंड के लिए क्या बोला था यहाँ पे कि डिविडेंड होने वाला है 50% ऑफ 2017 का अर्निंग पर शेयर। तो 2017 का अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा हुआ है 2.36, तो यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल हो जाएगा 2.36 का 50%, ये कितना आता है 1.18,
ये कितना आ गया 1.18, ये हम लोग का क्या आ गया डिविडेंड आ गया। उसके बाद मार्केट प्राइस कितना दे रखा है सबसे, तो देखिए मार्केट प्राइस हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 23.60, तो ये आ गया 23.60, ये आ गया मार्केट प्राइस। अब इस सब्स में हम लोग को ग्रोथ भी निकालना है क्योंकि अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर कब दे रखा है 2008 का एंड 2017 का दे रखा हुआ है 2008 से लेकर के 17 तक, तो हम लोग को जब भी ग्रोथ निकालना होगा तो ये हम लोग निकालेंगे किस फॉर्मूला से, तो ये निकालेंगे हम लोग फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला से। देखिए फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू फिर 1 प्लस रेट टू द पावर एन, ये होता था हम लोग का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। अब इस केस में फ्यूचर वैल्यू एफ पी लिखते हैं, चलिए ये हो गया हम लोग का फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर टू द पावर एन हो गया। अब फ्यूचर वैल्यू अगर 2008 के हिसाब से देखा जाए तो फ्यूचर वैल्यू कब होगा 2017, जिसमें प्राइस कितना रखा है 2.36। बस ये फॉर्मूला आप लोग एग्जाम में मत लिखिएगा, डाटा ऐसे लिखिएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2008 में डिविडेंड कितना दे रखा हुआ था 1 दे रखा हुआ है, तो ये 1 आ गया इनटू 1 प्लस ग्रोथ, ग्रोथ तो हम लोग को नहीं पता कि ग्रोथ कितना होगा, तो यहाँ पे ग्रोथ टू दी पावर कितना था, कितने साल के बाद ये जाकर के हो रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे काउंट करके 2008 से लेकर के 9, तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 6 7 8 और 9, तो 2017 में जाकर के कितना ईयर हो गया, तो 9 ईयर हो गया, तो यहाँ पे टू दी पावर हम लोग कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। यहाँ तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो 2.36 इज इक्वल टू 1 प्लस जी टू दी पावर 9 आ गया। अगर पावर एक्सचेंज करें तो यहाँ पे 1 प्लस ग्रोथ इज इक्वल टू 2.36 टू दी पावर कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। और जब भी पावर क्या होता है फ्रैक्शन में होता है, तो उस टाइम में हम लोग किस तरह से निकालते थे पावर जब भी फ्रैक्शन में होता था, तो स्टेप वन में हम लोग करते थे 12 टाइम स्क्वायर रूट, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो जो भी दे रखा है 2.36 उसमें 12 टाइम आप लोग स्क्वायर रूट प्रेस कीजिए, स्टेप वन का था। फिर स्टेप टू में हम लोग क्या करते थे -1, फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे तो डिवाइड बाय एन, एन मतलब कितना पावर है, तो 9 यहाँ पे है तो डिवाइड बाय एन करेंगे 9। फिर स्टेप नंबर 4 में हम लोग +1 करते थे, और स्टेप नंबर 5 में क्या करते थे तो यहाँ पे इनटू एंड इक्वल टू करते थे, ये करते थे 12 टाइम्स। तो चलिए करते हैं 2.36 दे रखा हुआ, इसमें 12 टाइम्स हम लोग रूट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कितना आ गया 1.00002096, इस तरह से आप लोग को आ गया होगा। इसमें आप लोग -1 कीजिए और उसके बाद डिवाइड बाय एन है, तो डिवाइड बाय एन मतलब डिवाइड बाय 9 कर देंगे, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हम लोग का कितना आता है 1 प्लस जी इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने से हम लोग का आता था 1.100, इस तरह से आ रहा है। तो इस केस में ग्रोथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.1, एंड 0.1 को हम लोग कितना परसेंट बोल सकते हैं 10%, तो हम लोग का ग्रोथ कितना आ गया 10% आ गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को मार्केट प्राइस दे रखा है, मार्केट प्राइस कितना आ गया, तो मार्केट प्राइस हम लोग को 23.6 दे रखा है, उसके बाद डिविडेंड दे रखा है, उसके बाद हम लोग को ग्रोथ दे रखा है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए चलिए फॉर्मूला देते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ। तो सम्स में D1 कितना दे रखा है, तो 1.18 डिविडेंड 1.18 है, 23.60 है मार्केट प्राइस, इसमें ग्रोथ कितना परसेंट है, तो 10% है, तो 1.010 इस ये हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो देखिए ऐड करने के बाद कितना आता है 1.18 डिवाइड बाय 23.6, तो ये हम लोग का आ गया 0.05 प्लस
0.10, इस तरह से ये कितना आ गया 15%। तो देखिए सम्स में जो भी बोला था, फर्स्ट ए पॉइंट में बोला था, क्या बोला था कि कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिफरेंस निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, तो ये तीनों हम लोग का निकल चुका है। ये तो सिंपल था निकालना, फर्स्ट में हम लोग क्या गए थे तो नॉर्मल से जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला जो ये रिडीमेबल डिबेंचर के लिए होता था, ये रिडीमेबल डेट के लिए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है तो वो भी नॉर्मल था, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ निकालना सीखना था। ग्रोथ कैसे निकालते थे तो ये हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके, बट हम लोग को एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है तो जो हम लोग को फ्यूचर, फ्यूचर क्या है डिविडेंड है, तो जो फ्यूचर अर्निंग पैसे होगा या जो भी डिविडेंड होगा उसमें वन, जो करंट जिस ईयर का हम लोग को पता होगा उसमें वन प्लस जी टू दी पावर, जिस यहाँ के इस ईयर के बीच में गैप जो भी होगा वो कर देंगे। एंड उसके बाद अगर पावर फ्रैक्शन में आता तो ये आप लोग का स्टेप नंबर वन में क्या करते थे, 12 टाइम स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद माइनस वन करते थे, स्टेप नंबर टू में, स्टेप नंबर थ्री में डिवाइड करते थे, स्टेप नंबर फोर में प्लस वन करते थे, एंड स्टेप नंबर फाइव में मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई इक्वल टू करते थे 12 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग का फ्रैक्शन का आ जाता था। तो इसी के साथ ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो था क्या था, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर, एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट में देखिए, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इशू, अगर न्यू शेयर इशू नहीं किया जाता है उस केस में कॉस्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए नॉर्मली जैसे WACC निकालते थे उसी तरह से हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरह। तो देखिए सबसे पहले ये हम लोग का बी पार्ट है, सोर्सेस, सोर्सेस में क्या क्या दे रखा हुआ है, 14% डिबेंचर, फिर 11% प्रेफरेंस शेयर, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। डिबेंचर कितने का 30, 10, फिर 1,60,000, ये आ गया अमाउंट। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहले सोर्सेस फिर हम लोग अमाउंट लिखे, इस अमाउंट का टोटल करने से कितना आ जाता है 2,00,000 आ जाता है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। अब वेट कैसे निकालते हैं, तो जो भी दे रखा होता है जैसे डिबेंचर के लिए तो 80, डिबेंचर के लिए तो डिबेंचर का कितना अमाउंट दे रखा है तो 30,000 डिवाइड बाय हम लोग करेंगे जो भी दे रखा हुआ है टोटल कैपिटल, तो 30,000 डिवाइड बाय 2,00,000, तो ये कितना आ गया 0.15 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 6, हाँ ये आ गया, फिर 160, तो ये आ जाता है 16 का हाफ होगा 0.8। इस तरह से हम लोग का वेट निकल के आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवेंचर के लिए जो डेब्ट के लिए हम लोग कितना निकाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ आ जाएंगे 8.33% था, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 0.833। फिर प्रेफरेंस शेयर के लिए कितना निकाले हैं हम लोग, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए निकाले हैं 12%, तो 0.10 डालते हैं, फिर 0.15। तो इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेट इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वेट और कैपिटल को मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग टोटल कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा WACC 0.01 2495 M+, इस तरह से WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आ गया हम लोग का 13.5
85 टॉनिक ऑफ करने के बाद इतना परसेंट ये आ गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखने वाले हैं इसका, तो ये तो हम लोग का सेकंड पार्ट का आंसर था, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा हुआ है, डिटरमाइन द अमाउंट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक्सपेंड किया जा सकता है, स्पेंड किया जा सकता है बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर मस्ट बी सोल्ड एज्यूमिंग दैट रिटेन अर्निंग फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ 2017। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग कितना माना गया, 50% होने वाला है 2017 की। अब ध्यान दीजिए यहाँ आ जाइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सबसे पहले कितना देखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना देखा है 10,000 दे रखा हुआ है, एंड अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दे रखा है 2.36। तो इस 2.36 का 50% क्या है, रिटेन अर्निंग है। तो चलिए रिटेन अर्निंग सबसे पहले निकालते हैं सबसे, ये हम लोग का थर्ड पार्ट दे रखा हुआ है, ये रहा सी पार्ट, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, उसके बाद 2.36 ये है ना, 2.36 क्या है, इक्वल अर्निंग पर शेयर है, एंड देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू अर्निंग पर शेयर, तो हम लोग क्या आ गया कि कितना अर्निंग हुआ था, कंपनी का अर्निंग कितना हुआ था वो, इसमें 50% क्या है, 50% रिटेन अर्निंग के रूप में, तो इसका 50% हम लोग को करना होगा, तो ये कितना आता है, ये निकालिए आप लोग कितना आता है, 10,000 इंटू 2.36 इंटू 50%, तो ये हम लोग आ गया 11,800। तो 11,800 क्या आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया कंपनी का। यहाँ तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखिए रिटेन अर्निंग बोला था सम्स में कितना बोला है, ये यहाँ पे रिटेन अर्निंग यहाँ पे होना चाहिए, दिखाता हूँ फिर से, ये है होना चाहिए 50%, रिटेन अर्निंग यहाँ पे होना चाहिए 50%, जो भी अर्निंग था 2017 का जो भी अर्निंग पर शेयर था उसका 50% रिटेन अर्निंग होना चाहिए। तो हम लोग 50% करके जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए। अब इस पॉइंट में आ जाइए, यहाँ जब हम लोग वेट निकाले थे तो इसका वेट कितना था, 0.15 आया था, 0.05 आया था, एंड 0.8 आया था। यहाँ इक्विटी शेयर के लिए वेट कितना है, इक्विटी शेयर के लिए वेट यहाँ पे 0.8 है, यहाँ तो आप लोगों को समझ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इक्विटी शेयर का जब भी वेट देखा जाए तो कितना, 1,60,000 डिवाइड बाई 2 लाख कैपिटल टोटल कैपिटल में, तो यहाँ पे कितना वेट हो गया, 0.8 हो गया वेट। अब सम्स में क्या बोला है कि सम्स में बोला डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस टाइम अगर हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालने चाहें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग इस टाइम में निकालते हैं तो हम लोग तो 100% के लिए निकालना होगा ना, बट ये जो रिटेन अर्निंग निकालें तो सिर्फ और सिर्फ 80% के लिए निकालें, जो 80% जो इक्विटी शेयर कैपिटल रखा था उसके लिए निकालें जिसका वेट कितना था 80%, तो इसी हम लोग को निकालना होगा 100% के लिए। तो 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 80%, बिकॉज इस ये जो वैल्यू मैंने उस वो किसका मालूम था, सिर्फ और सिर्फ 80% का मालूम है, इंटू 11,800। अगर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व करने के बाद कितना आता, 100 इंटू 11,800 डिवाइड बाई 80, तो ये आ गया हम लोग का 14,750। तो इस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना आ जाएगा, 14,750। अगर हम लोग फुल कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इस तरह से हम लोग कितना आ जाता है, 14,750। अब नेक्स्ट ये दोनों का सी पार्ट था, अब डी पार्ट में चलते हैं। डी पार्ट में क्या दे रखा है, कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी। तो सी में जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो सी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 14,750। सी के हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, तो 14,750। अब यहाँ पे क्या बोला है, एज्यूमिंग न्यू इक्विटी शेयर टू इज इशूड एट 20%। बट जब हम लोग देखिए डी पॉइंट के हिसाब से एक बार समझाता हूँ, डी पॉइंट के हिसाब से क्या बोला, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। अब ये बोला कि सी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, और इस टाइम में जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो प्राइस दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर का जो भी प्राइस दे रखा हुआ है वो कितना दे रखा हुआ है, 20%। बट जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले थे तो उस टाइम में इक्विटी शेयर का प्राइस हम लोग कितना लिए थे, तो देखिए ऊपर में आ जाओ,
जब हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल निकाले थे तो उस टाइम हम लोग प्राइस कितना लिए थे, तो प्राइस हम लोग लिए थे 23.60। बट अभी कितना बोल रहा है प्राइस लेने के लिए, अभी सिर्फ और सिर्फ 20 प्राइस लेने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग 20 के हिसाब से क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो चलिए पॉइंट डी के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा, डिविडेंड, जो डिविडेंड हम लोग को पहले से दे रखा हुआ था 1.18, जो फर्स्ट जैसे निकाले थे डिविडेंड वैसे ही आ जाए, डिवाइड बाय, बस यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर का जो प्राइस दे रखा हुआ है वो हम लोग को चेंज होगा। तो ये आ जाएगा 20 प्लस ग्रोथ रेट कितना दे रखा होता है, 10% था ना ग्रोथ रेट, रेट हम लोग को आ जाएगा 10%। इसे सॉल्व कीजिए तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आता है, इस तरह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया, 15.9%। और ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो था वही होगा 15%, जो 15% था ना, कितना था यार, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो 12% दे रखा था निकाले थे हम लोग वही होगा, प्लस में कॉस्ट ऑफ जो डेब्ट है वो 8.33% था वही होगा। उस तरह से हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ अभी निकालना है WACC मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस उसका नाम चेंज हो गया और यहाँ हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो WACC था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब ओल्ड रेट जो हम लोग को पास कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा होता है कंपनी के पास, उसके हिसाब से अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो उस टाइम में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब बोलते हैं, जब कंपनी इंटेंड टू मतलब फ्यूचर के लिए जो प्लान सोचता है उसके लिए जो निकालता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस टाइम में क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखिए सोर्सेस, सबसे पहले सोर्सेस क्या था, डिबेंचर था, प्रेफरेंस शेयर था, उसके बाद था इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना कितना दे रखा हुआ था, तो ये दे रखा हुआ था, एक सेकेंड, ये तो 1,60,000 दे रखा हुआ था और यहाँ टोटल था 2,00,000। वेट वेट तो आप लोगों को ये आ गया 0.15, 0.05, 0.8। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हम लोग का डेब्ट का जो भी था वही हो जाएगा, इसका भी 0.12 था, 0.159। अब वेट को हम लोग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोग का WACC या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो भी बोलना होगा वो हम लोग का आ जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का सबसे कंप्लीट हो जाएगा फाइनली 0.03। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस सम्स में कितना आ गया, 14 पॉइंट राउंडिंग ऑफ करने के बाद 57%। और इसी के साथ ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, जो इलस्ट्रेशन का पार्ट था 1 से लेकर 18 तक ये कंप्लीट हुआ। बीच में एग्जांपल भी था वो भी हम लोग देखे, कॉन्सेप्ट था वो भी देखे। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बार बार रिविजन करना है, ओके। अब चलिए हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा वो हम लोग करने वाले हैं।